दबंगों की पिटाई से ग्रामीण की मौत। आपको बता दें, बरेली में जमीन पर कब्जा करने आए दबंगों का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी, जिसमें ग्रामीण की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पंचनामा भरकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर हुई मारपीट के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। थाना सिरोली क्षेत्र के गांव पिपरिया उपरला निवासी गुलाम नबी पुत्र मिट्टू की गांव के करीब ही जमीन है। गुलाम नबी से जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट कराने की गांव के ही रहने वाले बुद्धि से बात हुई थी। वहीं आरोप है कि गांव के प्रधान पप्पू और उसके दो भाई तथा बुद्धि और लीलाधर ने जबरन गुलाम नबी से एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया। इसके बाद गुलाम नबी की जमीन पर कब्जा करने पहुँच गए। विरोध करने पर बुद्धि, लीलाधर, पप्पू प्रधान और उसके दो भाइयों ने गुलाम नबी के साथ मारपीट की, सीने पर तमंचा रख दिया। इस मारपीट में गुलाम नबी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। गुलाम नबी के परिजनों का आरोप है कि गुलाम नबी की मौत दबंगों की मारपीट और जमीन हड़प लेने के डर की वजह से हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक गुलाम नबी के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चांद, क्या हुआ था आपके? हमारे खेत पे मतलब लपड़ा हुआ था, जो बुद्धि था ना उसको मतलब जमीन उनने अंगूठे ले लिए थे, मतलब 420 से। तो उसने मतलब प्रधान पप्पू लीलाधर ये सबको मिला के उसके नाम करा दी, और वो लोग आए तो धमकी देने लगे सुबह 4 बजे से। बोल रहे मेरे बाप क्या वो आए थे लोग, धमकी दे रहे कि मार देंगे तुम्हें जान से, नहीं तो हमारा कब्जा है जो कब्जा दे दो हमें। हमारे बाप क्या कब्जा छोड़ना नहीं चाह रहे, कह रहे मैंने बेची नहीं है तो मैं कैसे कब्जा छोड़ूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और तुम लोग मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर दूँगा। वो कह रहे नहीं हम तुम मार देंगे जान से। ये उनके साथ हादसा हुआ, इसलिए किस तरह कब्जा लिया उन्होंने, क्या दिखाया? तमंचा दिखाया था सीने पर रखे, बोल रहे मेरे सीने पर तमंचा रखा था। मैं गया था तो घबरा रहे थे, कह रहे वो मार देंगे मुझे बचा ले बच्चा। ये लीलाधर था, बुद्धि थे और पप्पू के चारों भाई थे, और भी मतलब बकाया और भी थे, उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो भी सब आज साथ में आए थे। ये खेत पे आई थी, हमारे पापा खेत पे लेटते हैं, मढ़िया आए धमकाने बाद उनके मतलब हार्ट अटैक बनाने लगे, मतलब घबराने लगे, हमसे कह रहे रोने लगे, हमसे कह रहे मुझे बचा ले, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा ऐसा डराया है, मुझे कह रहे मार देंगे जान से नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तो हम भागे सब लेके, तो 10-11 बजे टाइम के टाइम उनका देहांत हो गया। हम कह रहे हमारे जान का खतरा लग रहा है, ये लोग हमको, हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम पे पैसा भी नहीं है जो कुछ लगा सकें इनके ऊपर, तो क्या कर सकें इसमें, यही है हमारा इंसाफ होना चाहिए। पुलिस से शिकायत करी थी, उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं सुनी। वो लोग तो उनके साथ बर्फी खा रहे थे बैठ के, जो इजहार खान दरोगा है, इजहार खान ऐसा नाम है उनका पुलिस वाले का, तो उन्होंने मतलब धमकी दी थी, कह रहे चले जाओ वहाँ से, कहाँ से आए तुम, मतलब बर्फी बैठ के खा रहे हैं, उनको तमंचा वो तमाचा भी मारा था उनके हाथ में। हाँ तो रोने लगे वहाँ पे, कह रहे मैं गरीब हूँ मुझे छोड़ दो, कह रहे नहीं भाग जाए यहाँ से, खेत में मड़िया लेके, ज़मीन है हमारी 4.5 बीघा है, अब वो नापते हैं तो 3.5 बीघा है, कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती हमसे। अंगूठा विद्यु ने लगाए थे, उनने 420 से, कह रहे एग्रीमेंट हो रहा है, ये बेनामा नहीं करा रहा हूँ, तो उन्हें एग्रीमेंट का बहाना दे के सब मिल गए, वकील उनका ही मिले हुए थे, पैसा खिलाया कुछ भी किया, हमें तो पता ही नहीं क्या करा। वो ये बता रहे थे अंगूठे ले लिए बैनामा, उस पर दाखिल खारजा कह रहे करवा लूँगा मैं पिपलिया उपराला का रहने वाला हूँ, थाना सिरौली है, तहसील औला।